देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। फिर जब मैं जैसे तैसे पुराने अस्पताल पहुंचा तो तब तक मैं काफ़ी थक चुका था और अभी मुझे अस्पताल के 5वें माले पर जाना था। चूंकि अस्पताल बहुत पहले ही बंद हो चुका था तो वहां पर सिर्फ कचरे के ढेर और सांप कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं बचा था। ऊपर से अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था जिस वजह से मुझे और भी परेशानी होने वाली थी। फिर जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक ही वहां पर जोरों की हवाएं चलने लगी। मैं किसी तरह आगे बढ़ता रहा मगर हवाएं इतनी तेज हो गई थी कि मैं अपना पैर तक आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मैं अभी दूसरे ही माले तक पहुंचा था कि वहां एकदम से बहुत सारे लोग मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो सारे के सारे मरीजों वाले कपड़े पहने हुए थे। उन सभी मरीजों का उस वीरान पड़े अस्पताल में दिखाई दे जाना मेरे लिए चिंता की बात थी। मैं तुरंत ही तीसरे माले की तरफ भागा और मेरे पीछे वो सारे भूतिया मरीज भी। मैं 5वें मंजिल तक तो कैसे भी करके पहुंच गया मगर वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिसे मैं पोटली थमाता। जब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं चिल्लाते हुए बोला, अरे आपका लाल पोटली ले आया हूं मैं, आकर ले जाओ। मैंने इतना कहा ही था कि इसी बीच वो सारे मरीज भी वहां आ पहुंचे और मेरे से वो पोटली छीनकर वहीं फेंक दिए और उन सभी ने मेरे को दबोच लिया। वो सारे के सारे भूतिया मरीज मेरी चीरफाड़ करने ही वाले थे कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उस आवाज के आते ही वो सारे मरीज एकदम से वापस नीचे भाग गए। फिर जब मैंने उस दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा लाल सुरख था और उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे छाले पड़े थे। तभी उस आदमी ने वो पोटली उठाई और उसे खोला। पोटली को खोलते ही उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं वो आवाज सुनकर हैरान हो गया। फिर उस शैतान ने मुझे अपने पास बुलाया। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं थी उसके जरा भी करीब जाऊं मगर मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो मेरी ओर झुकते हुए उस शैतान ने अपना हाथ नीचे किया। जब मैंने उसके हाथ में उस खुली पोटली को देखा तो पाए कि उस पोटली में सच में एक बच्चा है जिसका चेहरा भी एकदम लाल है और उसके शरीर पर भी वैसे ही लाल छाले हैं। मैं अभी उस बच्चे को देख ही रहा था कि उस बच्चे ने झटके से अपना हाथ मेरे मुंह में घुसा दिया और मेरी जीभ खींचकर बाहर निकाल दी। मैं वहीं पर दर्द से छटपटाने लगा। मैं अभी फर्श पर पड़ा छटपटा ही रहा था कि उस शैतान ने मुझे पकड़ा और उस 5वें मंजिल से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था और उस घटना को 9 महीने बीत चुके हैं। मैं 3 महीने तक अस्पताल में रहा पर वो सब क्या था और क्यों था मैंने फिर इस बारे में ना तो जानने की कोशिश की और ना ही मेरी हिम्मत हुई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।